फोटो बड़ा यार, फोटो बड़ा यार। इस आवाज को पहचानते हैं आप? फोटो बड़ा यार। ये आवाज किसकी है? फोटो बड़ा यार। उसका चेहरा आप पहले देख लीजिए और फिर डबल धमाल के डायरेक्टर इंद्र कुमार की ये शिकायत भी सुन लीजिए। अरे नहीं नहीं, इतना सीरियस होने वाली कोई बात नहीं है। पहले इंद्र कुमार की पूरी बात तो सुन लीजिए। Here's a photograph of mine sitting with Malika. He always blackmails me. He was in that process when the photo was taken. संजू बाबा ने इंद्र कुमार को इसीलिए एक फोटो की दुहाई दी क्योंकि इंद्र कुमार ने डबल धमाल की जलेबी बाई यानी मल्लिका शेरावत को उनके बिकनी एक्ट के लिए दे दिए 10 में से 9 नंबर। 9। और संजय दत्त के पास मल्लिका शेरावत की बिकनी के लिए हैं सिर्फ 7 नंबर। You've seen so many women donning bikini. I think Malika does it again here. So would you give her like a 10 on 10 for that? Yeah, about 7. Okay, very good. What about you? 9. 7. देखा कितने मजे हुए खिलाड़ी हैं संजू बाबा। चाहे कोई भी मल्लिका के बिकनी एक्ट में फंस जाए लेकिन संजू बाबा हमेशा करते हैं न्याय, इसीलिए सलमान भी उन्हें मानते हैं बॉलीवुड के बाबा। इंडस्ट्री बाबा है संजू बाबा। और संजू बाबा ने भी अब खुद को बाबा मानना शुरू कर दिया है। और इसकी वजह यह है कि संजय दत्त ने डबल धमाल में दो दो हॉट हसीनाओं को हैंडल किया है। लेकिन संजय दत्त के लिए यह बड़ा ही आसान काम था क्योंकि संजू बाबा ने इस पूरे इंटरव्यू में सबसे बड़ा खुलासा यही किया है कि उन्होंने तो इससे भी ज्यादा हॉट हसीनाओं को हैंडल किया है। You're a very lucky man. Your wife is as sexy as Malika Sharawat in this movie and your secretary as sexy as Kangana. So was it too hot to handle? Yeah, but handles more heat than that, you know. अब संजय ने ये बात अपनी हॉट हॉट वाइफ मान्यता के लिए कही या फिर वो कुछ और कहना चाहते थे ये तो नहीं पता, लेकिन इस पूरे इंटरव्यू में संजू बाबा ने ये जरूर बताया कि डबल धमाल की शूटिंग में उन्होंने बहुत धमाल किया और अब तो इसे ट्रिपल धमाल बनाने के लिए भी तैयार हैं। I have told Hindu, I said in the contract in the third part there are going to be about 4 girls and the shooting is not going to be in India, you know, it's going to be out. तो पहले मजा लीजिए संजय दत्त की डबल धमाल का और आगे आपको बताते रहेंगे संजू का ट्रिपल धमाल। हैदराबाद में हुई रेडीज की मैरिज में बॉलीवुड से कई स्टार्स गए, लेकिन अब खबर ये आई है कि यहाँ अमिताभ बच्चन को नहीं बैठने दिया गया वीवीआईपी सीट में, जिस बात से बच्चन फैमिली नजर आए खफा खफा। ये हैं रेड्डीज की शादी के विजुअल्स और अब इस शादी की बॉलीवुड से रिलेटेड हम आपको देते हैं 3 इंटरेस्टिंग न्यूज। न्यूज नंबर 1, अमिताभ बच्चन अपनी फैमिली के साथ गए थे हैदराबाद में हुई रेड्डीज की वेडिंग सेरेमनी में, जहां बिजनेस वर्ल्ड से अंबानीज जैसे जायंट्स भी पहुंचे थे, लेकिन जूम को खबर मिली है कि बच्चन को वीवीआईपी गेस्ट रो में नहीं बैठाया गया, उन्हें पीछे वाली रो में बैठने के लिए कहा गया, जिससे बच्चन काफी नाराज नजर आए। न्यूज नंबर 2, सलमान खान 20 करोड़ रुपयों तक के ऑफर के बाद भी नहीं आए। खबरों की माने तो सलमान खान को इस शो में परफॉर्म करने के लिए कहा गया था, सलमान को इसके लिए 20 करोड़ रुपयों तक का ऑफर दिया गया था, उसके बावजूद सलमान इस शादी में नहीं आए और सोर्सेज की माने तो इसकी वजह शाहरुख खान है। न्यूज नंबर 3, शाहरुख ने किया सलमान के गाने पर डांस। ये खबर हमने आपको कल प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में दिखाई भी थी कि कैसे शाहरुख खान ने सलमान खान के गाने ढिंका चिका पर डांस किया, लेकिन अपडेटेड खबर ये है कि शाहरुख ने वार्डरोब भी वैसा ही पहना था जैसा सलमान पहनते हैं, और तो और सोर्सेज की माने तो शाहरुख ने सलमान के स्टाइल में अपने गॉगल्स भी पहने। सो ऑल इन ऑल इस आलीशान शादी का एक्सपीरियंस बॉलीवुड स्टार्स के लिए रहा कुछ खट्टा कुछ मीठा। कटरीना कैफ ने यकीन मानिए आज तक इतनी तारीफ ना तो रणबीर की होगी और ना ही सलमान की, जितनी तारीफ वो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में आकर कर रही हैं ऋतिक रोशन की। ऋतिक रोशन है बहुत ही इंटिमिडेटिंग पर्सन। ऋतिक कैन बी वेरी इंटिमिडेटिंग पर्सन। ऋतिक रोशन है परफेक्ट अमेजिंग एक्टर। Perfect and he's such an amazing actor. और तो और कटरीना जब ऋतिक को देखती हैं तो अपने डायलॉग भी भूल जाती हैं। You get in front of him, initially I used to be a little bit like
tongue tied. He's like, forget my dialogues. And I was like, that doesn't happen to me. आपने कटरीना की जुबान से कभी सलमान और रणवीर की इतनी तारीफ नहीं सुनी होगी जितनी कटरीना ऋतिक रोशन की कर रही हैं। कटरीना साफ साफ बोल रही हैं कि जब उन्होंने ऋतिक को सबसे पहले देखा था तो वो अपने डायलॉग तक भूल गई थी। You get in front of him, initially I used to be a little bit like tongue tied. He's like, forget my dialogues. And I was like, that doesn't happen to me. Recently हुए कॉन्सर्ट में भी कटरीना ऋतिक के साथ जम कर रही थी डांस। जरा आप भी देखिए। We hope Salman और रणबीर Planet Bollywood News की इस खबर को ना देख रहे हो। You know why we're saying this. फिल्म बुड्ढा होगा तेरा बाप अभी सिल्वर स्क्रीन पर नहीं आई, लेकिन उससे पहले ही फिल्म का सॉन्ग हो गया है इंटरनेट पर लीक, जिस बात से काफी नाराज है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन हो गए हैं दुखी कि आखिर उनकी फिल्म का सॉन्ग कैसे हुआ लीक, वो भी ऑनलाइन। जी हाँ, अमिताभ बच्चन की फिल्म बुड्ढा होगा तेरा बाप का एक रोमांटिक सॉन्ग हो गया है ऑनलाइन लीक। इस बात को लेकर फिल्म के डायरेक्टर और बिग बी है बहुत परेशान, और ये बात अमिताभ बच्चन ने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी लिखी है। Someone leaked song from BHT Bab. It's called Hale Dil, Hema Ji and My Theme. Well, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है जब फिल्म की म्यूजिक रिलीज से पहले ही गाना इंटरनेट पर आ गया हो। इससे पहले फिल्म रावण का सॉन्ग छमक छलो भी नेट पर आ गया था, जिससे शाहरुख खान भी काफी परेशान हुए। और तो और, अनुराग काश्यप की तो कई फिल्म्स के सीन तक लीक हो चुके हैं। Now we wonder, is it an intentional strategy? या फिर इत्तेफाक? क्योंकि इस तरह म्यूजिक और सीन्स के लीक होने पर फिल्म को मिलती है जबरदस्त पब्लिसिटी। ब्रेकअप के बाद जॉन ने बिपाशा के बारे में एक चैट शो में बहुत कुछ बोल दिया था, लेकिन अब खबर ये है कि जॉन इस शो को दोबारा शूट कर रहे हैं ताकि बिपाशा के बारे में कुछ भी गलत ऑन एयर ना जाए। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज ने आपको सबसे पहले बताया था कि कैसे एक चैट शो की एडिट में जॉन खुद बैठे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बिपाशा के बारे में कुछ भी गलत ऑन एयर जाए। और अब खबर ये आई है कि जॉन इस पूरे चैट शो को एक बार फिर से शूट कर रहे हैं। सोर्सेज की माने तो इस चैट शो में जॉन ने बिपाशा के बारे में बहुत कुछ बोल दिया था, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि शायद बिपाशा को ये सब बातें बहुत ज्यादा हर्ट करेंगी, इसीलिए उन्होंने इस चैट शो की एडिट में बैठना शुरू कर दिया, लेकिन बात नहीं बन पाई। बस इसीलिए अब जॉन इस वेल नोन चैट शो को एक बार फिर से शूट करने जा रहे हैं। We wonder why after the breakup also John is so conscious about Bipasha. Whereas for Bipasha, it does not matter कि उनके किसी भी कमेंट का John पर क्या असर पड़ता है। So can we say John still has a soft corner for Bipasha? कल तक इस्माइल दरबार बोल रहे थे कि AR रहमान ने खरीदा है ऑस्कर अवार्ड, लेकिन आज मांग रहे हैं माफी। और खबरों की माने तो इसके पीछे वजह ये है कि ऑस्कर एकेडमी इस्माइल को $50,000 million के साथ सू करने का प्लान बना रही है। इस्माइल दरबार रिसेंटली मीडिया की हेडलाइंस बन गए थे जब उन्होंने AR रहमान पर लगाए थे ऑस्कर अवार्ड्स तक को खरीदने के एलिगेशंस। तो रहमान ये प्रूफ दे दे कि वो गाना किसका है। चलिए मैं आपको मैं सवाल ये करता हूँ। मैं क्यों बताऊँ, मैं पूछ रहा हूँ आप लोग, आप पूछिएगा सारी बातें मैं ही बता दूँ। आप लोग भी तो कुछ काम कीजिए। वेरी गुड बिजनेसमैन, ऑस्कर लेने के बाद उसने आज तक एक गाना अच्छा नहीं दिया। अब मुझे पता है कॉमनवेल्थ का जो गाना दिया था, 5 करोड़ रुपया लिया था, क्या था, कितनी गालियाँ दी लोगों ने। ऐसा ही है, दिमाग वाला आदमी जो होता है ना, वो हर जगह से निकल जाता है। अपने पास दिमाग भी इसलिए अटके पड़े एक ही जगह पर। लेकिन अब इस्माइल दरबार ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया है। अब इस्माइल मांग रहे हैं माफी ऑस्कर एकेडमी से। अगर उनको हर्ट किया है मैंने तो मैं एक पेपर को दिए इंटरव्यू में इस्माइल ने कहा है कि रहमान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि मैं चाहता था वो हमेशा से ही अच्छा म्यूजिक बनाए। इतना ही नहीं, इस्माइल ने तो ये भी कहा है कि उनका ऑस्कर एकेडमी पर पूरा विश्वास है और कोई ऑस्कर को नहीं खरीद सकता। अब आप कहेंगे कि इतनी जल्दी इस्माइल दरबार ने अपने रंग कैसे बदल लिया, तो जनाब प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज आपको इसकी भी वजह बताने जा रहा है। दरअसल इस्माइल दरबार के ऑस्कर पर किए गए इस कॉमेंट को ऑस्कर एकेडमी ने बहुत सीरियसली लिया, एंड दे हैव प्लान टू सू इस्माइल दरबार फॉर $50 million। बस इसी बात से डर गए इस्माइल और मांग ली माफी। Well, तो इसे क्या माना जाए? क्या इस्माइल का ये कॉन्ट्रोवर्शियल एलिगेशन सिर्फ एक पब्लिसिटी फंडा था? दिस इज व्हाट यू डिसाइड। विद्या बालन कर रही थी फिल्म डर्टी पिक्चर के लिए एक बाथटब में शूट, लेकिन ना जाने पानी में क्या था, विद्या के पूरे बदन में पड़ गए रैशेस, जिससे शूट को बीच में ही रोकना पड़ा।
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज ने ही आपको बताया था कि कैसे डर्टी पिक्चर का फर्स्ट डे रहा डर्टी, जब वर्कर्स एसोसिएशन ने शूटिंग को बीच में ही रुकवा दिया था। वेल रिसेंटली डर्टी पिक्चर की शूटिंग को एक बार फिर से रुकवा दिया गया है, लेकिन अब की बार वजह जरा हटके है। दरअसल विद्या बालन कर रही थी एक सीन शूट जिसमें उन्हें बाथटब में पोजेस देने थे। विद्या बाथटब में गई, लेकिन उसके बाद उन्हें ऐसा फील हुआ कि पानी से उनकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। वो कुछ देर तक तो शूट करती रही, लेकिन जब उनसे रहा नहीं गया तो वो फाइनली बाथटब से बाहर हो गई। और सोर्सेज की माने तो शूटिंग लोकेशन पर मौजूद सब लोग दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि विद्या के पूरे बदन में रैशेस पड़ गए हैं। वेल इसके बाद शूटिंग को बीच में ही छोड़ना पड़ा क्योंकि स्किन के रैशेस क्लियरली विजिबल थे और ऐसे में शूट करना पॉसिबल नहीं था। अनिल कपूर ने उड़ाई थी शिल्पा शेट्टी की खिल्ली, जिस बात से पूरी कपूर फैमिली से नाराज हो गई थी शिल्पा। लेकिन लगता है अब दोनों के बीच ऑल इज वेल हो चुका है, क्योंकि रिसेंटली शिल्पा को स्पॉट किया गया सोनम कपूर के साथ। दिसंबर 2010 में अनिल कपूर ने करण जौहर के चैट शो में जमकर उड़ाई थी शिल्पा शेट्टी की खिल्ली, ये कहकर कि शिल्पा शेट्टी है वर्स्ट केस ऑफ बोटॉक्स। इतना ही नहीं, अनिल कपूर ने तो ये भी कहा था कि कैसे फिल्म बधाई हो बधाई की शूटिंग के वक्त शिल्पा की नोज और लिप जॉब की वजह से हुई थी प्रॉब्लम। बस यही बात चुभ गई थी शिल्पा शेट्टी के दिल में। शिल्पा ने कपूर फैमिली से अपना रिश्ता बिल्कुल खत्म कर दिया था। लेकिन अब आई है गुड न्यूज, और न्यूज ये है कि शिल्पा और राज कुंद्रा को रिसेंटली स्पॉट किया गया सोनम कपूर और उनकी सिस्टर रिया कपूर के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सोनम शिल्पा के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नजर आ रही थी और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि दोनों की फैमिली में किसी तरह के डिफरेंसेस हैं। वेल, तो इसे क्या समझा जाए? वक्त के साथ साथ कुंद्रा फैमिली ने अनिल कपूर के इन कमेंट्स को भुला दिया है। आमिर खान हो गए हैं अपने फादर के लिए इमोशनल, क्योंकि खबर आई है कि आमिर ने अपने फादर की फिल्म के सारे राइट्स खरीद लिए हैं। आमिर खान हो गए हैं नॉस्टैल्जिक, क्योंकि खबर आई है कि आमिर ने उन सभी फिल्म्स के राइट्स खरीद लिए हैं जो उनके पापा ताहिर हुसैन खान ने प्रोड्यूस की थी। लॉकेट और खून की पुकार जैसी कई फिल्में हैं जिन्हें आमिर के पापा ताहिर हुसैन खान ने प्रोड्यूस किया था। दरअसल इन फिल्मों के राइट्स एक म्यूजिक कंपनी के पास थे और वो इन्हें नहीं बेचना चाहती थी, लेकिन जब आमिर खान ने इन फिल्म्स के राइट्स खरीदने के पीछे का इमोशनल रीजन बताया कि वो अपने पापा से काफी अटैच्ड थे और इसीलिए इन फिल्मों के राइट्स को खरीदना चाहते हैं, तो म्यूजिक कंपनी ने भी लिए सारे राइट्स आमिर खान को दे दिए। वेल अपनी फिल्म तारे जमीन पर में आमिर खान ने एक माँ बेटे के इमोशनल इन्वॉल्वमेंट को रियल लाइफ में दिखाया था, लेकिन इस बार अपने पापा की फिल्म्स के सारे राइट्स खरीद कर आमिर ने पापा और बेटे का इमोशनल अटैचमेंट दिखा दिया है, वो भी रियल लाइफ में। विराट कोहली और सारा जेन डायस की कुछ वक्त पहले मीडिया में आई थी जूसी लिंकअप की खबरें, लेकिन अब आई है खबर दोनों के ब्रेकअप की। गेम ओवर। जी हाँ, कुछ यही कहा जाएगा विराट कोहली की लव लाइफ की लेटेस्ट खबर को सुनकर, क्योंकि प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज को न्यूज मिली है कि दोनों के रास्ते हो गए हैं अलग अलग। खबर आई है कि दोनों में तब ब्रेक हो गया जब विराट फ्लू आउट टू वेस्ट इंडीज फॉर एन ऑनगोइंग टूर। सोर्सेज की माने तो दोनों के बीच शुरू से ही थोड़े थोड़े डिफरेंसेस चल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी दोनों कुछ वक्त तक अपने रिलेशनशिप को टाइम देते रहे। बट एट लास्ट दे रियलाइज दैट बोथ ऑफ देम आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, और बस इसीलिए दोनों ने अपनी अपनी राहें कर ली हैं अलग अलग। वेल जब इस खबर पर सारा जेन डायस से कॉन्टेक्ट किया गया तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन विराट के एक फ्रेंड ने इस खबर को डिफेंड करते हुए ये जरूर कहा कि दोनों के बीच कुछ था ही नहीं। बिल्लू बार्बर में बाबा वर्ड के बाद अब सेंसर बोर्ड को प्रॉब्लम है फिल्म भिंडी बाजार इंक में दर्जी वर्ड से। सेंसर बोर्ड ने फिल्म के इस वर्ड को हटाने के लिए कहा है, जिससे काफी नाराज है फिल्म के डायरेक्टर। फिल्म बिल्लू बाबर के वक्त की कंट्रोवर्सी तो आपको याद ही होगी, जब कैसे फिल्म के नाम पर बाबा वर्ड होने से मच गया था बवाल और आखिर में शाहरुख खान को फिल्म के नाम से हटाना पड़ा था बाबा शब्द। लेकिन न जाने क्यों इस तरह की कंट्रोवर्सीज मीडिया में बार बार आ जाती हैं, क्योंकि अब खबर आई है कि फिल्म भिंडी बाजार इंक में सेंसर बोर्ड को दर्जी शब्द से प्रॉब्लम है और सेंसर बोर्ड फिल्म से इस शब्द को हटाने के लिए कह रहा है। दरअसल फिल्म में कैरेक्टर का नाम है दर्जी और सेंसर बोर्ड नहीं चाहता है कि किसी कॉम पर फिल्म में कोई नाम हो, इसीलिए वो इस नाम को हटाना चाहता है। हालांकि इस बात से फिल्म के प्रोड्यूसर करण अरोड़ा बहुत नाराज हैं। करण का कहना है कि उनके लिए फिल्म में ये कैरेक्टर का नाम ही हटाना काफी मुश्किल होगा। वैसे ताज्जुब की बात ये है कि सेंसर बोर्ड डीके बोस जैसे शब्द को आसानी से पास कर देता है, लेकिन फिल्म में दर्जी वर्ड होने से भी प्रॉब्लम है। We think that it's time for the सेंसर बोर्ड to have some introspection. फरहान
फराह खान करने जा रही है संजय लीला भंसाली की सिस्टर की फिल्म में काम और जूम को न्यूज मिली है कि इस फिल्म के लिए फराह खान लूज करेगी अपना वेट। फराह खान ने सबसे पहले जूम को बताया था कि वो क्या कुछ करेंगी जब वो हीरोइन बन जाएंगी। डेफिनेटली वो सब चीज़ें करूंगी जो मुझे एक्टर्स में इरिटेटिंग लगती हैं। टाइम पे आऊंगी, अपनी लाइनें लर्न होंगी, हेयर मेकअप में मैं रेडी रहूंगी, बार बार वैन में नहीं भागूंगी और बार बार अपना थोड़ा चेक करने वो मॉनिटर पे नहीं आऊंगी। ये तो फराह खान ने वो बातें बताई हैं जो वो नहीं करेंगी, लेकिन हम आपको वो बातें बताने जा रहे हैं जो फराह फिल्म की प्रेपरेशन के लिए करने जा रही हैं। जी हाँ, और वो है वेट लॉस। जूम को खबर मिली है कि अपनी फिल्म के लिए फराह खान स्लिम होने जा रही हैं और अकॉर्डिंग टू सोर्सेज इसके लिए उन्होंने जिम जाना भी शुरू कर दिया है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको फराह खान बिल्कुल स्लिम नजर आए तो याद रखिएगा कि बॉलीवुड के नंबर वन चैनल ने ही आपको सबसे पहले दी थी ये खबर। And now we show you hot and sexy photo shoot of Sonam Kapoor. Enjoy. Sonam Kapoor in this photo shoot of hers looks like a fairy of a fairy tale. After seeing this photo shoot of hers, we are sure her fans list will get longer and she surely will turn the kids' favorite too. Kabhi Rapunzel bani Sonam Kapoor, to kabhi bani Sleeping Beauty. And in every look of hers, she managed to look like Cinderella. This vintage photoshoot of hers will surely make her win many hearts. Mattresses par baithi Sonam Kapoor lag rahi thi pretty and beautiful in her dark pink frill skirt and light pink top. The eye-catching factor of this look was the hair accessory donned by Sonam. The ambiance of this look was really appealing. Apne dusre look mein bhi unhone pehna vintage dress, jo tha kafi innovative. And in this look of hers, she was seen posing with a white cat, jo thi kafi adorable too. The whole look was inspired from a fairy tale. Sonam Kapoor lag rahi thi Rapunzel look-alike apne is look mein. Two big red roses donned by her, the long braid and that white flowy long gown were quite adorable and eye-pleasing. This look of hers is surely worth a thumbs up. With that yellow magician hat on her head, the printed neck scarf, the whole attire did quite grab our attention. Sonam surely knows how to carry each and every look, for that matter, even if it's vintage. Posing with a teacup in her hand, Sonam looked quite attractive. In her last look where she was seen posing with a basket of apples and that red Halloween jacket, Sonam lag rahi thi kafi hot. All that we can say after this photo shoot of hers is that she managed to bring all the fairy tale characters to life.